वेलकम बैक गाइस, मैं रॉनिन आ गया हूँ एक और ओपी गेम प्ले के साथ। तो गाइस, आप लोगों ने तो अभी तक बहुत बड़े बड़े प्रो प्लेयर को देखा होगा, कोई फोर फिंगर खेल रहा है, कोई फाइव फिंगर, कोई सिक्स फिंगर। पर गाइस, क्या आप लोगों ने कभी असली कॉन्करर प्लेयर को देखा है? बिल्कुल रियल कॉन्करर प्लेयर गाइस। मैं खुद गया हूँ गाइस 3 सीजन कॉन्करर पर, मैं भी उसके सामने कुछ नहीं हूँ। तो गाइस, इस मैच में मेरा फाइट हुआ था एक असली कॉन्करर प्लेयर के साथ, जो गाइस हर सीजन में कॉन्करर जा चुका है। हर सीजन मतलब गाइस जितना भी सीजन अभी तक आया है BGMI और PUBG में मिला के, वो हर सीजन कॉन्करर जा चुका है। यहाँ तक कि गाइस सीजन 1 में भी वो कॉन्करर गया था। तो गाइज, मुझे तो नहीं लगता आप लोगों ने कभी सीजन 1 के कॉन्करर प्लेयर को देखा होगा। तो गाइज, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो गाइज वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग भी रैंक पुश करना चाहते हो सोलो में, तो गाइज मैं सोलो रैंक पुश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहता हूं, तो गाइज सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो चलो गाइज, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, मैं आ गया अपने हॉट ड्रॉप लोकेशन पोचिंग की में, और गाइज मेरे राइट हैंड साइड में 2 बंदे और उतरे थे भाई, वो लोग दूसरे कंपाउंड में उतरे। गाइज, तो अभी फिलहाल तो मेरे पास कोई नहीं है भाई, गन मिल जाए बस, जल्दी से मिल जाओ भाई। हेलमेट वेस्ट तो गाइज मिल गया, ले भाई यार। चलो M60 नहीं मिल गया गाइज भाई, कोई भी गन रहे बस गन मिल जाए। थोड़ा निहत्ता मरने में गाइज, बिना गन के मरने में बहुत खराब लगता है। लो भाई, अब तो मेरा लूट ही कंप्लीट हो गया गाइज, मुझे UMP और UG दोनों मिल चुका है भाई। इससे तो मैं पूरा मैच निकाल सकता हूँ गाइज। अरे भाई, तो गाइज यहाँ पर मुझे सामने वाले घर से भी किसी बंदे का आवाज़ आया, लग रहा है गाइज वो खिड़की से TPP ले रहा है भाई। क्या लगता है गाइज, मैं सही हूँगा? फटेगा फटेगा क्या? अरे भाई गजब ओपी नेट गाइज। तो गाइज यहाँ पर वो मुझे पक्का हैकर समझ रहा होगा गाइज, क्योंकि उसने हल्का सा आवाज़ दिया, सिर्फ एकदम हल्का सा, और मैंने फुल्ली कुक नेट मारा, बेचारा फट गया एकदम तुरंत। तो गाइज यहाँ पर मैं 1 बंदे 2 बॉट को मार के 3 किल हो चुका है मेरा, और मैं जा रहा हूँ जोन में। गाइज जोन शिफ्ट हो रहा है मिलिट्री बेस की तरफ, इसलिए मैं पहले ही मूव कर ले रहा हूँ, क्योंकि गाइज अगर एक बार ब्रिज कैंप हो गया तो मुझे फिर पानी से जाना होगा। और भाई उधर पानी से जाने का मतलब आपके पास गाड़ी रहेगा नहीं, और सोलो में बिना गाड़ी के खेलना भाई मतलब मौत के मुँह में जाना भाई। गाड़ी तो कंपलसरी है गाइज सोलो में, पता नहीं कब क्या हो जाए भाई। काफी दिनों से गाइज मैंने ब्रिज कैंप ट्राई नहीं किया, करूँ क्या? मौका भी है, दस्तूर भी है, चलो गाइज ट्राई करता हूँ। गाइज यहाँ पर मैं ब्रिज कैंप तो कर लेता हूँ भाई, पर तभी से एक गाड़ी भी पास नहीं हुआ है। देख लो गाइज, जोन पूरा मिलिट्री बेस में ही है, अभी भी 50-50 चांस है, पर गाइज मुझे पता है मिलिट्री में ही शिफ्ट होने वाला है। पर गाइज एक भी गाड़ी नहीं आया अभी तक। लो भाई, भाई सामने से नहीं आके मिलिट्री बेस साइड से गाड़ी आ रहा है, बताओ। तो गाइज ये बंदा भी शायद ब्रिज कैंप ही करने आया, आ जा भाई। और ये भाई चलो हो गया तुम्हारा काम, जाओ लॉबी में। बेचारा वो बहुत खराब लगा हुआ गाइज, उसे तो मेरा गाड़ी दिख गया, वो इतना सामने गाड़ी था फिर भी ऐसे अंधा आ रहा है। यही होता है गाइज, बंदे को हल्के में, सामने वाले ओपोनेंट को हल्के में कभी मत लो। लो भाई एक गाड़ी आया भी तो देख लो गाइज, सर्कस कर रहा है इधर से उधर उधर से उधर। लो ये भी भाग गया, रुकेगा ही नहीं भाई। यार 1 किल मिला गाइज, मुझे लगा ब्रिज कैंप करूंगा तो 3-4 किल तो रखा ही रहेगा, पर गाइज एक ही बंदा आया, वो भी पीछे से, सामने से कोई आया ही नहीं। कोई बात नहीं गाइज, चलो जो भी हुआ ठीक हुआ, कोई बात नहीं गाइज। यहाँ पर जोन शिफ्ट हो चुका है, तो चलो जोन पकड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, किल का क्या, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। अरे भाई सामने ड्रॉप है, लूट लेता हूँ। अरे भाई यार गाड़ी खत्म भाई मैच, अरे भाई मर जा। और ये खत्म, बच गया गाइज बेचारा, तो डैमेज भी नहीं दे पाया, नूब था क्या? बिहारी श्राउड भाई, गजब नाम रखे हो ब्रो तुम। भाई यार बंदे मिल ही नहीं रहे गाइज, देख लो हर कंपाउंड के पास से गाड़ी घुमा रहा हूँ पर कोई मिल ही नहीं रहा है, क्या करो बताओ। अरे वाह भाई, तो गाइज इस कंपाउंड में एक बंदा है, तो लगता है यहाँ पर मुझे 1 किल भी मिलेगा, पता नहीं मुझे मिलेगा या वो ही ले जाएगा मेरा किल, मैं ही लूँगा गाइस। देख लो भाई बंदा पूरा घूम घूम के पता नहीं कहाँ पे है। अरे यार लो भाई, बंदा घूम के आके लेट गया घास में, लो गजब। दीप भाई ऐसे कैसे, बताओ बंदा आया है तुम्हारे कंपाउंड में, दूर से ही फायर करो उसे। गाइज अगर आप लोग का ऐसा सिचुएशन कभी हो या आप लोग पे कोई बंदा रश कर रहा हो तो आप लोग उसका क्लोज इन करने का बिल्कुल इंतजार मत करो, जैसे ही गाड़ी आप लोग को दिखे आप लोग उस पर फायर करने लगो, क्योंकि गाइज अगर बंदे को डैमेज पड़ गया तो अच्छा ही है, या तो वो डैमेज लेके आपके पास रुकेगा या फिर वो डैमेज लेके भाग ही जाएगा, मतलब दोनों सिचुएशन में आपका ही फायदा है। तो इसलिए गाइज जैसे ही आप लोग को गाड़ी दिखे आप लोग उस पर फायर करने लगो। लो भाई एक बंदा तो मर गया, आप खोजते रहो कहाँ पर है, कहाँ पर है कौन। अरे भाई वो देखो जोन के बाहर से आ रहा है। अरे यार गाइज ऐसे पिक लेके था ना वो, मुझे लगा है उसके पास बोल्ट एक्शन है, पर था नहीं, बच गया। बोल्ट एक्शन रहता तो बस अभी बूम से आवाज़ आता और मैच यहीं पे ख़त्म। आजा भाई, तो गाइज लगता है वो निकलने वाला है नहीं, मुझे ही एंगल चेंज करके उसको मारना होगा भाई। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चलो, यहाँ से गाइज नेट जाएगा क्या वहाँ तक? चलो ट्राई करता हूँ, चले जाना तो चाहिए, चले जाना तो चाहिए भाई। यार ये तो हवे में फटेगा, पता था गाइस ओवर कुक हो गया था।
चलो गाइज, क्या लगता है ये नेट फटेगा फटेगा फटेगा? चलो नहीं फटा भाई, और जरा सकले बच गया। भाई इस रूम से नहीं होगा गाइज, यहाँ पर रूम मुझे चेंज करना होगा, बगल वाले रूम में जाके ट्राई करता हूँ। लो गाइज, यहाँ पर मैं बगल वाले रूम में आ गया हूँ और बंदा यहाँ पर स्मोक करके भागने की कोशिश कर रहा है। मौली जाएगा इस रूम से, नेट ख़त्म हो चुका है गाइज मेरे पास। लग जा लग जा। भाई मौली तो गया है, पहुँचा है वहाँ तक, क्या लगता है उसे डैमेज मिला होगा? भाई निकला वो, मौको जा भाई यार। लो गाइज, पता नहीं क्या करना चाह रहा था ये भाई, स्मोक में ही रहना था उसे, ऐसे ओपन में आके कौन लेटता है बताओ। गाइज उस बंदे ने दिमाग तो अच्छा लगाया, स्मोक सही टाइम पे किया, पर गाइज उसे स्मोक में रह के ही एक और स्मोक सामने करना चाहिए था, फिर आगे जोन में मूव करना चाहिए था। तो देख लो गाइज, यहाँ पर मैं उस बंदे का पेटी लूटने में इतना बिजी हुआ कि मुझे जोन कब आ गया पता भी नहीं चला। और भाई देख लो जोन कितना गंदा डैमेज दे रहा है भाई, 50 HP कर गया गाइज जोन। बताओ भाई कोई मारेगा ना अभी, बस तुरंत मर जाऊंगा भाई। यहाँ पर हील करना हो, कोई है नहीं पीछे? चलो कोई नहीं है, बस हील कर लूँ। सामने कोई नहीं है, सेक में भाई, सेक में कोई होगा तो भाई। अरे भाई भाई गजब, देख लो गाइज, यही है असली कॉन्करर प्लेयर गाइज, देख लो भाई गजब। भाई इसने 3 किल कराया गाइज, मुझे पक्का पता है उसमें से 2 बॉट होगा, पहला इसने बंदा जो मारा है वो मैं ही हूँ। भाई मन तो कर रहा है रिपोर्ट करके बैन कर दूं गाइज, काश ये लोग भी बैन होता हैकर के जगह। भाई 2 का KD है गाइज, बताओ। तो गाइज मैं मैच के स्टार्टिंग में इसी प्लेयर के बारे में बात कर रहा था, जिस तरह से ये खेल रहा है ना, पक्का गाइज ये सीजन 1 में भी कॉन्करर गया होगा। भाई ऐसे से कौन खेलता है, इतना भयानक कैंप देख लो भाई, इसे बंदा दिख रहा नहीं है, बस फायर करे जा रहा है, लग जाए तो लग जाए वरना तो भाई राम भरोसे है ही ये। लो भाई देख लो, सामने बंदा है, इसे कुछ दुनियादारी का पता ही नहीं है। लोग खत्म भाई मैच यहाँ पर, बताओ भाई असली कॉन्करर था ये देखना गाइस, पक्का कॉन्करर जाता होगा हर सीजन जिस तरह से ये खेल रहा है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो चलो गाइस मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।